गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू मुसाफिर गर्ल ब्लॉग। शुभ सावन दोस्तों, और आज सावन का पहला दिन है। तो सुबह सुबह तो मैं जा नहीं पाई थी मंदिर, क्योंकि ऑफिस होता है, ऑफिस आर अब ऑफिस खत्म हुआ है। तो तुरंत आकर फट से हुई हूँ रेडी और चलते हैं मंदिर टपकेश्वर टेम्पल। तो टपकेश्वर मंदिर चलते हैं। वैसे मैं पहले गई हुई हूँ बट मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, सो इस बार व्लॉग बनेगा पूरा। और अगर आपको रील देखनी है तो यहाँ इंस्टाग्राम आ रहा होगा, यहाँ जाकर आप रील देख लो। तो चलते हैं टपकेश्वर मंदिर, और रास्ते में बताऊंगी वहाँ का इतिहास, क्यों वो मंदिर इतना प्रसिद्ध है और लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ की क्या मान्यता है। तो भीड़ तो होने वाली है, इतना तो मतलब मुझे लग रहा है क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। और यहाँ पे टपकेश्वर महादेव, जिसे दुधेश्वर महादेव भी कहा जाता है, उनकी बहुत टपकेश्वर मंदिर महाभारत काल में कौरव पांडवों के गुरु श्री द्रोणाचार्य जी का निवास स्थान था। टपकेश्वर महादेव मैं पहुंच गई हूँ। ये पार्किंग एरिया जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, और यहाँ पर भी महादेव बैठे हैं। तो ये हमने गाड़ी मतलब बाइक से आए हुए हैं, तो बाइक पार्क कर दिए और चलते हैं अंदर की तरफ। बहुत प्यारा सजा हुआ है मंदिर बाहर से, और शायद अंदर आरती हो गई है। यार मैंने सोचा था मैं आरती के टाइम से पहले आ जाऊँगी बट आ नहीं पाई। और चलते हैं, इसके प्राइस बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप आओ, अपनी श्रद्धा के हिसाब से ले लेना। तो यहाँ से चलते हैं मंदिर के अंदर, और बहुत प्यारा सजा रखा है और एंट्रेंस है। मेरा हाथ नहीं जाएगा घंटी तक, तो नीचे से चलते हैं। तो महादेव के प्रवेश द्वार पर पहुँच गए हैं, और थोड़ा सा आरती हो रही है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है। आप सामने देख भी सकते हो भीड़। द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा जी का यहाँ जन्म हुआ था। किसी कारणवश उनकी माँ उन्हें दूध नहीं पिला पाती थी, तो जब द्रोणाचार्य जी ने यहाँ तपस्या करी थी और शिव जी ने उनसे प्रसन्न होकर गुफा की छत में गौथन बना दिए थे ताकि अश्वत्थामा जी आराम से दूध पी पाए, तभी से इसका नाम दुधेश्वर पड़ा था। और कलयुग में यहाँ से दूध नहीं पानी टपकता है। और आरती हो गई है खत्म, अभी लाइन में लगे हुए हैं, देखते हैं टाइम लगेगा आज दर्शन करने में, क्योंकि ज़्यादा ही भीड़ है। मैं लगा था होगी मगर इतनी नहीं होगी, बट अब लग रहा है कि टाइम हो जाएगा। मैं बस तो आराम से बच दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। बस ये था थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है, तो ज़्यादा मैं अच्छे से नहीं दिखा पाया। बाकी कोशिश पूरी करिए कि मैं आपको दिखा पाऊँ अच्छे से। और यार पानी का फ्लो देखो, जब मतलब मैं पहले आई थी ना यहाँ पे, पानी का फ्लो बिल्कुल मतलब ना के बराबर था। वो मैं एक फ़ोटो मेरी क्लिक हुई हुई है, मैं वो फ़ोटो डाल दूँगी। बाकी अब आप देखो फ्लो बहुत तेज़ फ्लो हुआ हुआ है इस टाइम। आ गए हैं घर पे, और यार बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रही थी, पता नहीं आपको दर्शन कैसे हो पाए हैं नहीं हो पाएंगे, बाकी आप देख लेना। और अब चलते हैं प्रसाद बनाने, तो मैं हलवा बनाने वाली हूँ आज शाम के प्रसाद के लिए। तो मैंने तैयारी तो थोड़ी बहुत कर ही रखी थी, तो मैं बना रही हूँ हलवा सूजी का। और अगर मतलब यार मुझे हलवा अच्छा लगता है खाना भी, और अगर आपको इस हलवे की पूरी रेसिपी चाहिए ना, तो इंस्टाग्राम का यहाँ पे लिंक आ रहा होगा मेरे, या फिर हैंडल आ रहा होगा, तो आप उस पर जाकर देखो मैंने डाल रखा है सावन का भोग। और आप जल्दी से बना कर भोले बाबा को सोमवार को भोग लगाओ। फाइनली बाबा का भोग रेडी है, तो भोग लगा देती हूँ। भोग लगा दिया है मैंने, अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठी हूँ, तो डिनर कर रही हूँ। डिनर के साथ सब मैं अपनी देख रही हूँ स्टोरीज टेलिंग, मुझे स्टोरी टेलिंग देखना ना बड़ा पसंद है। मतलब मैं डेली ना नाइट में मतलब डिनर करते हुए लंच करते हुए स्टोरी टेलिंग देखती हूँ, तो मैं डिनर कर रही हूँ और साथ में मेरी स्टोरी टेलिंग चल रही है। तो अब कर रही हूँ अपना ब्लॉग एडिट, और इसी के साथ करते हैं अपना ब्लॉग एंड। ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।